Welcome to Law Studies. Think Global, World Global. Hi friends, आज के वीडियो में थ्री फेज या एबीबी लोको में पार्किंग ब्रेक क्या है एवं पार्किंग ब्रेक लगाना, पार्किंग ब्रेक रिलीज करना एवं अन्य आवश्यक बातों के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। पूरा वीडियो जरूर देखें। पार्किंग ब्रेक थ्री फेज लोको में हैंड ब्रेक नहीं लगाया गया है, इस हेतु एक नए प्रकार का ब्रेक लगाया गया है जिसे पार्किंग ब्रेक कहते हैं। WAG9 व WAP7 लोको में चक्का नंबर 2, 6, 7, 11 पर लगा होता है तथा WAP5 लोको में पार्किंग ब्रेक चक्का नंबर 1, 4, 5, 8 पर लगा होता है। पार्किंग ब्रेक लगाना ए पैनल पर लगे BP PB पुश बटन स्विच को दबाने पर पार्किंग ब्रेक लगता है। पार्किंग ब्रेक लगने पर उसमें स्थित लैंप जलेगा तथा पार्किंग एक्टिवेटर में स्थित 6 kg/cm² का प्रेशर बाहर निकल जाएगा एवं पार्किंग ब्रेक गेज 0 kg/cm² बताएगा, जो कि इस बात का संकेत है कि पार्किंग ब्रेक लग गया है। यह तभी संभव है जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो। दूसरा पॉइंट, पार्किंग ब्रेक सोलेनोइड वाल्व 30 पर लगे अप्लाई पुश बटन को दबाने पर लगता है। पार्किंग ब्रेक लगने पर बीपी पीबी में लाइट जल जाएगी तथा पार्किंग ब्रेक गेज 0 kg/cm² बताएगा एवं पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। यह तभी संभव है जब MR AR प्रेशर लोको में उपलब्ध हो। लैंप तभी जलेगा जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो। तीसरा पॉइंट, जब BL की को D से ऑफ पर घुमाते हैं तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा अपने आप पार्किंग ब्रेक लग जाता है। ध्यान रहे, इस समय BP PB पुश बटन स्विच नहीं जलेगा क्योंकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ पोजीशन पर है, परंतु पार्किंग ब्रेक गेज में प्रेशर 0 kg दिखाएगा। पार्किंग ब्रेक रिलीज करना, पहला BP PB पुश बटन स्विच को दोबारा दबाकर पार्किंग ब्रेक रिलीज करते हैं। दूसरा, पार्किंग ब्रेक सोलेनोइड वाल्व 30 पर रिलीज पुश बटन को दबाकर पार्किंग ब्रेक रिलीज करते हैं। तीसरा पॉइंट, WAG9 व WAP7 लोको में चक्का नंबर 2, 6, 7, 11 पर तथा WAP5 लोको में चक्का नंबर 1, 4, 5, 8 पर लगे पार्किंग ब्रेक सिलेंडर के रिलीज स्पिंडल को खींच कर पार्किंग ब्रेक रिलीज करते हैं। रिलीज स्पिंडल को खींचने पर लॉक खुल जाएगा तथा स्प्रिंग के अपनी स्थिति में आने से खट की आवाज़ भी आएगी। ध्यान रहे, यदि पार्किंग ब्रेक मैनुअल लीवर के द्वारा रिलीज किया गया है तो एनर्जाइज लोको में BP PB नहीं बुझेगा एवं लोको पायलट को पार्किंग ब्रेक लगे होने का संकेत मिलेगा, साथ ही थ्रॉटल कार्य नहीं करेगा। इस अवस्था में BP PB को दबाकर रिलीज करें।
यदि पार्किंग ब्रेक मैनुअल रिलीज किया गया हो तब भी। ब्रेक ब्लॉक को हिलाकर पार्क ब्रेक का रिलीज होना चेक करें। डेड लोको में प्रेशर नहीं रहने पर भी पार्किंग ब्रेक लगे रहते हैं, परंतु जब एक बार उन्हें रिलीज कर दिया जाए तो जब तक लोको में प्रेशर नहीं बनाएंगे पार्किंग ब्रेक नहीं लगेंगे। अतः डेड लोको की संटिंग करते समय एवं उसके बाद स्टेबल करते समय इस बात को ध्यान में रखें एवं डेड लोको को उपयुक्त वुडन वेज आदि से सुरक्षित करें, क्योंकि इस लोको में अर्थात कुछ लोकों में हैंड ब्रेक की व्यवस्था नहीं है। अब थ्री फेज लोको में पार्किंग ब्रेक हटाकर हैंड ब्रेक लगाए जा रहे हैं, जिसके लीवर मशीन रूम में कैब वन में सहायक लोको पायलट के ठीक पीछे लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।